فلسطين ترحب فيكم. فلسطين ما أبكى سوا لك. سواغت ہے. سواغت ہے. Welcome to Palestine. ये है मेरी इज़राइल सीरीज़ की 9th वीडियो और इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी वॉल, दीवार जो कि है पैलेस्टीन और इज़राइल के बीच में और उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री। वीडियो को ना लाइक करना मत भूलना बस। ये मैं वॉक करके जा रहा हूँ एक होटल की तरफ जिसमें एक गैलरी है जिसमें पूरी वॉल की और पैलेस्टीन की हिस्ट्री है। आपको पता होगा कि इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच में दीवार है, लिटरली दीवार है पूरी बड़ी। तो वो दीवार में भी विज़िट करने वाला हूँ, वो आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगी। पर उससे पहले मैं गैलरी में आया हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। वॉल के बारे में, इज़राइली पीपल के बारे में, पैलेस्टीनियन लोगों के बारे में, सब चीज़ों के बारे में। तो पहले हिस्ट्री जान लो। ये आईडी है ज्यूइश इज़राइली सिटीजन्स, ये पैलेस्टीनियन सिटीजन्स ऑफ इज़राइल। मेरे को दोनों में कोई अंतर नहीं दिखा। फिर नीचे आते हैं, ईस्ट जेरूसलम पैलेस्टीनियंस की आईडी होगी, वेस्ट बैंक पैलेस्टीनियंस की ये आईडी होगी, गाजा स्ट्रिप पैलेस्टीनियंस की आईडी होगी। मेरे को इसमें और गाजा स्ट्रिप वाले में भी कोई अंतर दिखा नहीं है। अब आते हैं नंबर प्लेट पे। ऊपर वाली इज़राइल की नंबर प्लेट है, नीचे वाली पैलेस्टीन की नंबर प्लेट है। अब इसमें लिखा है कि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से जो वॉल बना रहा है इज़राइल वो बिल्कुल इलीगल है, उसको अभी कभी बंद कर देना चाहिए। पर इज़राइल ने ऐसा किया नहीं है अभी तक। अब जैसे मेरे सामने आप ये देख सकते हैं, वॉल जो है 8 मीटर लंबी है और 1 मीटर चौड़ी, मतलब हर सेगमेंट वॉल का। अब ये एक बार मैप देखो आप लोग, ये बहुत इंटरेस्टिंग मैप है, ध्यान से सुनना। 3 तरह की रोड हैं इज़राइल में। येलो कलर की इज़राइल एक्सेस ओनली, मतलब ये येलो कलर की जो रोड है पूरे इस पर सिर्फ इज़राइल एक्सेस कर सकता है इनको। रेड कलर की रोड आते हैं, इज़राइल एक्सेस कर सकता है पर पैलेस्टीनियन नहीं कर सकते उसको एक्सेस, पैलेस्टीन रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, रेड कलर की रोड देख लो कितनी सारी हैं, इनको इज़राइल के सिटीजन एक्सेस कर सकते हैं पर पैलेस्टीन के नहीं कर सकते। अब आती है ग्रीन वाली रोड जो पैलेस्टीन एक्सेस कर सकता है और इज़राइली भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मतलब इस मैप के हिसाब से सारी रोड इज़राइल एक्सेस कर सकता है, पैलेस्टीनियंस के लिए लिमिटेड हैं पर रोड्स। इज़राइल 101 डिफरेंट टाइप के परमिट्स इशू करता है। मैंने शायद वीज़ा स्लिप नहीं दिखाई, ऐसी वीज़ा स्लिप देता है इज़राइल, मतलब जो भी आता है उनको 101 तरह के अलग अलग टाइप के परमिट इशू करता है जो पैलेस्टीनियन सिटीजन्स को कैरी करने पड़ेंगे अगर वो वेस्ट बैंक में भी ट्रैवल कर रहे हैं तो भी। थोड़ा मैं गाज़ा के बारे में बता देता हूँ। गाज़ा मतलब पैलेस्टीन की ही टेरिटरी है, वो थोड़ा साउथ में और थोड़ा वेस्ट साइड में, आपको पता ही होगा। तो गाज़ा 41 किलोमीटर लंबा है, 12 किलोमीटर चौड़ा है और उसमें 2 मिलियन पैलेस्टीनियन लोग रहते हैं। पर इज़राइल ने उस पर सी, एयर और वाटर ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक था, लैंड सी और एयर ब्लॉक लगा रखे हैं। तो मतलब सारे फूड की सप्लाई, जो भी सप्लाई वगैरह है वो सारा इज़राइल करता है और वहाँ के सिटीजन्स ना गाज़ा छोड़ सकते हैं ना कहीं और जा सकते हैं। तो और ये थी गाज़ा की थोड़ी बहुत हिस्ट्री कि मतलब वहाँ के लोग कहीं छोड़ के जा नहीं सकते बस। ये एक फ़ोन है, देखो इस पे फ़ोन आ रहा है और सुनना फ़ोन में बंदा क्या कह रहा है। ठीक है, पक्का। हेलो, माय नेम इज डैनी, आई एम एन ऑफिसर इन इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस। वी आर गोइंग टू ब्लो अप योर हाउस, गेट आउट, यू हैव 5 मिनट्स बिफोर द रॉकेट्स कम। काफ़ी अच्छा म्यूजियम है,
ये म्यूज़ियम है वॉल्ड सिटी होटल के अंदर ही, तो या तो आप वॉल्ड सिटी होटल सर्च कर सकते हो गूगल पे, या फिर बैंस की म्यूज़ियम सर्च कर सकते हो, तो दोनों में आ जाएगा और काफ़ी अच्छा है। 15 शेकल्स इसकी एंट्री है, पर आपको नॉलेज इतनी मिलेगी 150 शेकल वाली, तो आ सकते हो एक बार देखने के लिए। शेकल पर डे है, पर यहाँ का रेस्टोरेंट काफ़ी सस्ता है, मेरे को लगा काफ़ी महंगा होगा पर काफ़ी सस्ता है। तो मैं आपको एक बार मेन्यू दिखा देता हूँ, म्यूज़ियम देखने का चाहो तो यहाँ पे कुछ खा पी सकते हो। तो यहाँ पे देखे तो पिज़्ज़ा है 25, मैंने 15 वाला ऑर्डर किया, मैंने पूछा भाई कौन सा अच्छा बताई दे, तो उसने कहा ये वाला अच्छा, तो मैंने ये कर दिया। कॉफ़ी वगैरह 8 शेकल से लेकर 15 शेकल तक की है, और फिर पॉट ऑफ टी फॉर 2 बहुत सस्ता है। मतलब अगर ये पिज़्ज़ा इसराइल में होता है ऐसे रेस्टोरेंट में तो अराउंड 100 शेकल्स का बहुत आराम से होता, सूप ऑफ द डे 20 का, तो मतलब ज़्यादा महंगा नहीं है। बियर वाइन वगैरह भी ले सकते हो। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो वॉल की हिस्ट्री है पूरी एक वीडियो में डाल दूँ, और यही करना सही रहेगा। और मेरे मुंह में टॉफ़ी है, पिज़्ज़ा इतना अच्छा नहीं था मैं सच बताऊं तो, ठीक है, मतलब इंडियन टेस्ट के हिसाब से नहीं था। और ये है वर्ल्ड ऑफ होटल, मतलब इस होटल का नाम क्यों है क्योंकि मेरे पीछे है ये इज़राइल और पैलेस्टीन की वॉल। और अब इसके साइड में वॉक करते हैं और मस्त मस्त ग्रेफिटी आपको दिखाता हूँ इस पर जो बना रखी हैं, और काफ़ी अच्छे अच्छे मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग ग्रेफिटी हैं। और जो चर्च वाली वीडियो है वो मैं कंबाइन कर दूंगा, मैं रामाला जब जाऊंगा उसके साथ, तो आप बोर नहीं होगे और सारी हिस्ट्री वॉल की एक ही वीडियो में आपको पता चल जाएगी। मैं टाइलर का वेट कर रहा हूँ अंदर, सुसु करने गए हैं तो वो आते हैं फिर चलते हैं। है पूरी वॉल 8 मीटर लंबी, और हर वॉल का सेगमेंट 1 मीटर चौड़ा, और उसके ऊपर पूरी बार्ब्ड फेंसिंग और ये पूरी ग्रेफिटी। मेरे साइड में, मेरे राइट साइड में वॉल जो कि इसराइल ने बनाई है पैलेस्टीन के चारों तरफ, जो कि है लगभग 700 किलोमीटर की, और मतलब अभी भी बनी रही है, कई पार्ट्स में जेरूसलम में भी बनी नहीं है, कई पार्ट्स में बन चुकी है और लगभग कवर हो चुका है। 1992 में फर्स्ट प्रपोजल आया था इस वॉल का, और तब से मतलब बना ही रहा है इसराइल। तो यूएन ने तो कहा है कि भाई गलत कर रहे हो, अब कह नहीं सकते यार, मेरे को इतनी नॉलेज भी नहीं है तो मैं क्या ही कमेंट करूं। आप कमेंट कर सकते हो नीचे आप क्या सोचते हो, तो मेरे को पता चल जाएगा भाई ज़्यादातर लोग क्या सोच रहे हैं इस वॉल के बारे में।
तो जब आप होटल से निकलोगे तो आप लेफ्ट साइड मुड़ोगे तो आपके साइड में होगी वॉल, और उसके वॉक करते करते आप नीचे जा सकते हो। क्या पता आप इसी तरफ से वॉक करते करते होटल की तरफ ऊपर आए हो, पर हम दूसरी तरफ से आए थे तो हम अब इस तरफ से नीचे जा रहे हैं। और इसके एंड में आपको ग्रेफिटी मिलेगी जिस पर वंदे मातरम लिखा था। ये जब मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा था और फोटो खिंचवा रहा था, मैंने वंदे मातरम नहीं देखा था, पर मैंने जब इंस्टाग्राम पे फोटो डाली तब आप लोगों ने मेरे को बताया कि भाई देखो साइड में वंदे मातरम लिखा है, तो इसका मतलब है इंस्टा पे फॉलो कर लेना और सारी फोटोज के लिए। नमस्ते, मैं आपका स्वागत है। वेलकम टू पैलेस्टाइन। फिलिस्तीन तरहब फिकुम। वेलकम टू पैलेस्टाइन। स्वागत है। व्हाट इज इट? से इट अगेन। पैलेस्टाइन। पैलेस्टाइन। मैं आपका स्वागत है। मैं आपका स्वागत है। या मैं आपका स्वागत है। Hold on. But he is want to bring all the color, but I won't use this color now. वहाँ पे हम चल रहे थे तो यहाँ पे सैंड आर्टिस्ट बैठे थे, इनकी एक शॉप थी, इन्होंने हमको ऐसे इनवाइट कर लिया। कहते कि कुछ मत खरीदो हमसे, हम आपको बिल्कुल फोर्स नहीं करेंगे कुछ भी खरीदने के लिए, बस हमारी आर्ट देख लो आप। थे शॉप के ओनर और इन्होंने मतलब एक ट्रायल वर्जन बना के दिखाया कि भाई हम ऐसे बनाते हैं और ये आप अपने हिसाब से बनवा सकते हो, जो आपको बनाना है आप बता सकते हो कैसे कैसे आपको क्या चाहिए, और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। आप यहाँ पे $15 से स्टार्ट होके रेंज ऊपर तक लेके जा सकते हो, तो सबसे सस्ता $15 में आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है, वर्ल्ड ऑफ होटल आ रहे हो तो आप एक बार इनकी शॉप विजिट कर सकते हो, क्योंकि कुछ ऐसा महंगा नहीं है और इतनी दूर आए हो तो ऐसी आर्ट आप देख के जा सकते हो। Anything you want to say to Indian people? What? Anything you want to say to Indian people? To Indian people, for you know something, I know a lot friend in Ramallah from India, working in MPC, Indian MPC. And you are very good people, and you are very, now we are, when you say India, we say Bollywood. Like Shah Rukh Khan, like... So you are very friendly with the Palestinian people. That's it. Thank you. Thank you so much. This is different details and different size. If you like, like this one. Different. This one we make it like $25. Okay. Yeah. So this is for Indian market. So the Indian market might give the Chicago right, price to the Indian market. But this here, yeah, it's good. Yeah. No problem. But it's different, I tell you, some people like take an order, it's different like what you have already. Example, we have this one in $35, but can we make a discount for anyone take a memory from this country, because this interesting, for we share this art for all the people. Uh-huh. We don't look just for the money, because this art, this not good when you look to the money, because this art. So you will come from India and from USA, and this really amazing, because you are came here. Now we won't invite you to drink something or eat something, because you are come from far away. Some picture here or painting for my friend. Yeah. And this painting for him, I share the work. Art for him here, like this picture for the Queen Bethlehem. Mm-hmm. Queen. And this some picture different, and all this handmade here. Okay. Yeah. Have you made them? Like, you are the sand artist. Yeah, the sand art. I make a sand art, some mosaic art, but okay. I don't paint. World Hotel se walk karte hue aaoge, to ye dukaan aapko dikh jayegi. इसके सामने है बिल्कुल, ये पूरी फैक्ट्री है जहाँ पे सारा वुड का काम बनता है, जो आपने कल दुकान में देखा था सारा यहाँ पे बनता है।